सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकटु के बारे में। इस त्रिकटु के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे लेना है, सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो त्रिकटु जो है बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि पतंजलि हो गई, वैद्यनाथ हो गई, डाबर हो गई, हिमालय हो गई, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो देखिए, इसकी टैबलेट भी आती है, इसका पाउडर या चूर्ण बोल दूँ वो भी आता है, और इसका सिरप भी आता है। तो सभी कंपनियां जो हैं अलग अलग बनाती हैं, वो फ़ायदे सभी के एक जैसे होते हैं। अब देखिए, आपको ख़रीदना कहाँ से, तो जो भी लोकल आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर होते हैं, क्योंकि ये जो है एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप इसको घर बैठे बैठे मंगा सकते हो, और हो सकता है कि आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। अब इस त्रिकटु में क्या हर्बल इंग्रेडिएंट होते हैं, तो देखिए इसमें है काली मिर्च, पिपली, अदरक, इसलिए इसका नाम है त्रिकटु। मतलब इसमें तीन इंग्रेडिएंट हैं जो कि मेन होते हैं। अब हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहता है, सही तरीके से खाना नहीं पचता है, या कोई भी प्रॉब्लम है, अब जैसे कि गैस है, कब्ज होता है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट फूलता है, डकार आती है खाना खाने के बाद, और इसके अलावा कई लोगों को भूख भी कम लगती है, तो ये जो है भूख बढ़ाने का काम भी करती है। तो बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं बढ़ाएगी, लेकिन कुछ हद तक भूख जो है बढ़ाती है। इसके अलावा ये जो है डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं, या फिर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि खाना पचाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर देखिए दोस्तों, जूस होते हैं और एंजाइम्स होते हैं जो कि खाना पचाते हैं, तो उनको ये बढ़ाती है, तो जिस कारण आपका खाना सही तरीके से पचता है। अब इसके अलावा अगर आपको दस्त होते हैं, तो उसमें भी काफ़ी फायदेमंद है, और ये जो है न्यूट्रिएंट्स को जो है अब्सॉर्ब करती है। तो देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स अगर हमारी बॉडी सही तरीके से अब्सॉर्ब नहीं करेगी, तो हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, कमजोरी आ सकती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा होता है त्रिकटु। इसके अलावा अगर आपको सर्दी खांसी है या गला खराब है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है, और एक प्रकार से ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो देखिए, अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हो। अब इसके अलावा त्रिकटु से हमको विटामिन सी मिलता है, और विटामिन सी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है इसकी, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, और ये जो है पूरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ठीक करता है। इसके अलावा आपके हार्ट के लिए अच्छा है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जिसको हम LDL बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल को कुछ हद तक ये कम भी करता है आपका त्रिकटु। इसके अलावा लीवर के लिए काफ़ी अच्छा है, या फिर आपको गाउट है। अब गाउट में होता क्या है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिस कारण हमारे जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में इन्फ्लामेशन, लालपन आ जाता है, तो ये गाउट के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। तो देखा दोस्तों आपने त्रिकटु के कितने सारे फायदे हैं, जो इधर मेन मेन फायदे हैं उनके बारे में मैंने इधर आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं डोज के बारे में। तो देखिए, अगर आप टेबलेट लेते हो, तो एक से दो टेबलेट आपको एक बार में लेना होता है, और एक दिन में इसको दो बार तक ले सकते हो। तो देखिए, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को लीजिए, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो दो सुबह दो शाम को इस प्रकार से ले सकते हैं। और इसको जो कुछ भी खाने के बाद लेना है, नाश्ता करो या खाना खाओ, उसके आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद लेना होता है। अब इसको जो है आप सेहत के साथ लें, या फिर हल्का गुनगुना पानी उसके साथ ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो सेहत के साथ ना लें, हल्का जो गुनगुना पानी होता है उसके साथ ले लें, तो अच्छा खासा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। अब आप ये चूर्ण फॉर्म में लेते हो, तो चूर्ण फॉर्म में देखिए 125 mg से लेकर 250 mg के बीच लेना होता है, और इसको भी जो है आप एक दिन में दो बार तक ले सकते हैं। और अगर आप इसका सिरप लेते हो, तो इधर देखिए, जैसे कि मैंने बताया, इसकी टेबलेट भी आती है, चूर्ण भी आता है, सिरप भी आता है। तो सिरप के डोज के बारे में बता देता हूँ, 5 ml आपको एक बार में लेना होता है, और इसको भी जो है दो बार तक ले सकते हो, जैसे 5 ml सुबह और 5 ml शाम को, और इन सभी को जो है आपको कुछ भी खाने के बाद लेना है। अब इधर देखिए, मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकते हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन नहीं दी जाती है। अब हम बात करते हैं बच्चों के बारे में। तो देखिए, बच्चा अगर 14 साल से कम है, तो एक बार आप डॉक्टर से सलाह करें, अगर 14 साल से ऊपर है, तो जो भी मैंने डोज बताया उसका आधा डोज करके उनको दे सकते हो, और बाकी अधिक जानकारी के लिए जो है आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हो। अब हम बात करें साइड इफेक्ट के बारे में। तो देखिए, साइड इफेक्ट वैसे तो इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप ये ओवरडोज में ले लेते हो, तो सीने में जलन, पेट में जलन, कुछ इस प्रकार से आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि लो डोज से चालू करिए, लो डोज से हाई डोज में जाना होता है, और बीमारी के अकॉर्डिंग जो है हमेशा हमको डोज लेना होते हैं,
और अधिक जानकारी के लिए जो है आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। अब इधर कोई दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ इसको ले सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल ले सकते हो, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो। बस थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस रखिएगा। मान लीजिए आपने कोई भी मेडिसिन अभी ली, जैसे कि एलोपैथी अभी ली, तो उसके जो है 3 से 4 घंटे बाद आप इसको ले सकते हो। अब कब तक लेना है तो ये भी डिपेंड करता है आपको कितनी बड़ी समस्या है। हालांकि आप इसको 1 महीना लेके देखिए, 1 महीने में आपको अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा। वो रिजल्ट के बारे में बात करें तो देखिए 2 से 3 दिन में ही आपको फर्क नजर आने लगेगा। अब इधर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप ये त्रिकटू लेते हो तो आपको अल्कोहल नहीं लेना है, ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाना है। इसके अलावा हैवी जो खाना होता है वो हैवी खाना ना खाएं अगर आपका पेट सही नहीं रहता है तो। इसके अलावा फाइबर वाला खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं, वो जो फ्रूट्स का जूस होता है वो पी सकते हैं, और पानी ज़्यादा पीजिए। कई लोग पानी भी कम पीते हैं तो उससे भी बहुत सारी समस्या होती हैं पेट से संबंधित। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और इन सब के लिए टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट कम से कम आप वॉकिंग कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारा शरीर या हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है और आपको इस त्रिकटू का अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा अगर आप ये मेरी एडवाइस फॉलो करोगे तो। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा वीडियो और पसंद भी आया होगा। और अभी भी कोई डाउट इस त्रिकटू को लेकर तो आप कमेंट द्वारा मुझे पूछ सकते हो। और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ से रिलेटेड, जो कि मैं डेली लाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।